ज्योति की हीरक जयंती जो 75 वर्ष पूरी होने पर मनाई जाती है एक भावभरी प्रस्तुति सुनी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं, मुझे देखना हो तो मेरे विचारों में देखो। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन एक लोक सेवी ब्राह्मण का था, वैसा ही जीवन उनने जिया। जीवन भर उनने प्रेम साधना की, उनने जितना प्यार बांटा संभवतः उतना किसी पिता संगठनकर्ता गुरु ने किसी को नहीं दिया होगा। परम श्रद्धया जी परम वंदनीय माता जी की विरासत लेकर आगे बढ़ी हैं। उनके उद्बोधन से पूर्व एक गीत है जिसके बोल हैं, मुझे ना देखो इस काया में तुम विचार में देखो, अखिल विश्व में व्याप्त प्रेम के शुभ प्रचार को देखो, शुभ प्रचार को देखो। सद विचार में सद्भाव में मेरा दर्शन पाओ को तुम भी मेरे जीवन के हमरा ही बन जाओगे, हमरा ही बन जाओगे। मुझे न देखो
जाति वर्ण आकर सब उसमें
अब है स्नान करते हैं, आकर सब उसमें अब है स्नान करते हैं। फुहार में देखो मुझे, न देखो इस काया में, तुम विचार में देखो मुझे, न देखो इस काया में, तुम विचार में देखो। अखिल विश्व में व्याप्त प्रेम के सुप्रसार में देखो, हमारे राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त ने कहा था, भागे ना क्यों हमसे भला फिर दूर सारी सिद्धियाँ, पाती नारियाँ आदर जहाँ, रहती वहीं सब सिद्धियाँ। परिवार और राष्ट्र के समग्र विकास में नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। शांति के समय गृहलक्ष्मी, क्रांति के समय शक्ति, दात्री के रूप में दुर्गा तथा निराशा के समय प्रकाश देने एवं मार्ग दिखाने के लिए साक्षात सरस्वती के रूप में है हम सभी की श्रद्धा जीजी। स्नेह, सहयोग, श्रद्धा, विश्वास, आत्मीयता, श्रमशीलता आदि का भावनात्मक लाभ समस्त विश्व को बांटने के लिए कृत संकल्पित हम सभी की मार्गदर्शक, हम सभी की श्रद्धा जीजी, जिनके व्यक्तित्व में हमें दर्शन होते हैं, हमारे आराध्य, हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु एवं ममता की मूर्ति वंदनीय माता जी के। आइए आज हम उनका भाव भरा उद्बोधन सुने श्रद्धा जी जी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का बसंत का पावन दिन उत्साह, उमंग, उल्लास, प्रेरणा और प्रकाश का दिन, आज माँ सरस्वती के पूजन का दिन, और हम सब के लिए आज और ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे गुरुदेव जिनका आज आध्यात्मिक जन्मदिन भी है। बसंत के बारे में ये कहा जाता है कि जब भगवान ने ऋतुओं के राजा के रूप में ऋतुराज कहकर बसंत को सम्मानित किया तो उनके साथ की बाकी ऋतुएं ये सोचने लगीं कि हम में से ही हमारा अपना कोई इतना बड़ा सम्मान पा रहा है, हमको भी कुछ उपहार देना चाहिए। ऋतुएं सोचने लगीं हम क्या उपहार दें अपने ऋतुराज को। उनके पास कुछ ऐसी चीज़ थी नहीं। हर एक की ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण पहलू आता है, अमूल्य चीज़ जिसको कही जाती है वो है ज़िंदगी। और वो ज़िंदगी क्या जो मूल्यवान न हो, वो तो एक निरर्थक थका देने वाली एक ऐसी यात्रा जो जन्म से शुरू होकर मृत्यु पे जाके ख़त्म हो जाती है। ऋतुएं सोचने लगी हम
अपने सबसे प्रिय को क्या उपहार दें। सबने विचार विमर्श किया और सोचा कि हम अपने ऋतुराज को सारी जिंदगी दे दें तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, फिर क्या करना चाहिए। सब ऋतुओं ने अपने अपनी जिंदगी में से चौथाई हिस्सा निकाल कर अपने ऋतुराज को दिया। कहते हैं वही 40 दिन ऋतुराज के माने जाते हैं। इस प्रसन्नता पर प्रकृति ने अपने सारे उपहार ऋतुराज के चरणों में उड़ेल दिए। बसंत के ये दिन हमारे शरीर और मन पर अद्भुत प्रभाव डालते हैं। हमारे शरीर का संचालन मन और विचारों से केंद्रित होता है और इंद्रों शरीर की शक्तियाँ मन की शक्तियाँ विकास की ओर उन्मुख होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंद्रों जो भी काम किए जाते हैं वो सार्थक होते हैं, प्रेरणादायक होते हैं। आज के दिन ये भी कहा जाता है बसंत को एक संत की उपाधि दी जाती है। बसंत और संत दोनों एक जैसी स्वभाव के होते हैं। दोनों की जिंदगी में केवल एक ही बात होती है, हम समाज को क्या अर्पित कर दें। देना देना देना, लोक मंगल के लिए वो दिए ही जाते हैं। न वो अपना सोचते हैं न बेगाना सोचते हैं। संत की जिंदगी में और बसंत की जिंदगी में न कोई अपना है न बेगाना है, न हिंदुस्तान है न पाकिस्तान है, न दिन है न रात है, न छोटा है न बड़ा है। वो सब उसकी हरियाली, उसकी सुगंध, उसकी प्रसन्नता के हकदार हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचता ये कड़वा देने वाला कड़वाहट वाला नीम है इसको पत्ते न दूं। वो ये नहीं सोचता ये बबूल है ये कांटे चुभोते रहता है मैं इसको नई कोपल न दूं। ये तो केवल फलों का राजा आम है केवल इसको ही कोपल दूं। उसके मन में ये विचार कभी नहीं आता, नहीं संत के मन में ये विचार आता है वो किसी से भेदभाव करे। बसंत और संत दोनों ही एक जैसे ही रहे। और माँ सरस्वती विद्या साहित्य संगीत कला की देवी, भाव प्रेरणाओं की देवी, इस दिन से मनुष्य पशुता को छोड़कर मनुष्यता की ओर उठने लगता है। मनुष्य में एक देवत्व का उदय होना शुरू होता है। माँ सरस्वती का अभिनंदन इसलिए भी किया जाता है। आज के दिन सबसे बड़ी चीज़ आज से 100 साल पहले हमारी मार्गदर्शक सत्ता इस धरती पर अवतरित हुई। उनके जीवन में एक प्रकाश उभरा, वो बासंती बयार उभरी जिस बासंती बयार ने विचार क्रांति की लहर सारे विश्व में फैला के रख दी। वो गुरुदेव जिनके जिंदगी में आज के दिन दादा गुरु उनके साधना स्थली में प्रकट हुए, उन्होंने वो दीपक जलाया जो प्रकाश का था वो अखंड दीपक, जो ज्ञान का था वो प्रेरणा प्रकाश आज भी साक्षी है। तब से जला निरंतर लोगों को प्रकाश देता हुआ चला जा रहा है। आज अखंड ज्योति की हीरक जयंती वर्ष मनाने जा रहे हैं। लेकिन इसकी कहानी कैसे शुरू हुई, आप में से शायद इतने पुराने कोई है भी कि नहीं कह नहीं सकती, लेकिन आज कुछ बताने का मन जरूर करता है। ये कहानी जितनी हमारी याद में है ये मान के चलें गायत्री तपोभूमि की स्थापना के बाद या और भी सन 58 के बाद की स्मृतियां कुछ जो साथ देती हैं वो यादें बताने का मन करता है। एक छोटी सी दुनिया जिसमें गुरुदेव, माताजी, ताई जी, भैया और परिवार के और भी थोड़े लोग थे। घर में एक छोटी सी अद्धा मशीन थी और एक हैंडवेल वाली मशीन थी, हाथ से चलाई जाने वाली, जिससे पर्चे छपते थे। गुरुदेव लिखते थे और वही कंपोजिंग होती थी, वही प्रूफ रीडिंग होती थी, वही छपती थी। छोटी सी दुनिया थी, गुरुदेव लिखते भी थे, कंपोज भी करते थे, माताजी कंपोज भी करती थी, छपाई भी करती थी। और उनके पते चिपकाने से लेके जो लोगों के चिट्ठियाँ आती थी उनके जवाब देने तक सब काम होते थे। हम लोग स्कूल जाते थे
स्कूल से आते थे सबसे पहले लगता था कि घर के काम में हम क्या मदद कराते। माता जी लेही बनाती थी, उन दोनों गोंद तो थे नहीं, अब तो खैर ऑफसेट मशीन है सब चीज़ है, लेकिन तब की दुनिया बहुत छोटी थी। वो लेही की सने हाथ माता जी के, उन पत्रिकाओं को डिस्पैच करना, उन पर पते चिपकाना, वो पत्र जो गुरुदेव लिखा करते थे, माता जी बोलती जाती थी, उनके जवाब दिए जाते थे, उन सबको चिपकाने की जिम्मेदारी हम लोगों की थी। हम लोग चिपकाते रहते थे, एक मन में उत्साह जरूर रहता था कि हम स्कूल से आएंगे, काम करेंगे, पत्रिका चिपकाएंगे, टिकट लगाएंगे, पते चिपकाएंगे, चिट्ठियाँ चिपकाएंगे, तो हमको जो है कुछ मिलेगा जरूर। क्या मिलेगा? उस समय ऐसा रोज मिलता था और हमको ये था कि एक पैसे को मिलेगा तो हम कहाँ रखेंगे, अपनी गुल्लक में डालेंगे, फिर बताएंगे पिताजी हमने इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। वो उत्साह मन में जरूर रहता था। आते ही बस्ता रखा, पहला काम वो शुरू हो जाता था। पर थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना आना शुरू हो गया था तो ये लगता था कि इन चिट्ठियों में जो इतनी सारी हैं इनमें क्या लिखा है। कभी कभी पढ़ने की कोशिश करते थे, कुछ कुछ समझ में आती थी, और कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि हमेशा याद रह जाती है। वो चिट्ठियाँ जिनमें इतना प्यार था, इतनी ममता थी, इतना सुलभ मार्गदर्शन था, लगता है वो चिट्ठियाँ फिर से मिल जाएं, फिर से पढ़ लें तो शायद ज़िंदगी निहाल हो जाए। एक भाई ने लिखा होगा चिट्ठी में, साधना संबंधी कुछ परेशानी की, ज़्यादा देर साधना करते हैं तो पीठ में दर्द होता है, मन भटकता है, पैर दर्द करते हैं, करते नहीं बनती, गुरुदेव क्या करें। गुरुदेव ने चिट्ठी में लिखा, बेटा कठिन तपस्याएं तो केवल ग्रह त्यागी लोग ही कर सकते हैं, तुम गृहस्थ हो, जो सुलभ साधना संभव हो, जो आसानी से कर सकते हो वो कर लेना, लेकिन हाँ इतना जरूर याद रहे कि जो भी साधना की जाए वो इतने भावपूर्वक की जाए कि ऊपर वाली सत्ता तुम्हारे पास आने को विवश हो जाए। वो सुलभ मार्गदर्शन, वो प्यार भरा संरक्षण गुरुदेव अपने पत्रों में, अखंड ज्योति में निष्पक्ष होकर दिया करते थे। उनके परिजन उन और वो ही प्यार था, उनसे मिलने वाला हर सज्जन, हर व्यक्ति ये सोचता था ये हमारे अपने हैं। पहले लोग अखंड ज्योति पढ़ते, पास में आते, मिलते, जुड़ते और उनके अंग अवयव बनते हुए चले गए। ये मिशन बढ़ता हुआ चला गया। गुरुदेव ही कहते रहे अखंड ज्योति कोई पत्रिका भर नहीं है, इसमें हिमालय का दिव्य प्राण प्रवाह आता है, हिमालय में बैठी हुई ऋषि मुनियों की संसद जो सामयिक परिस्थितियों पर निर्णय लेती है, उन निर्णयों का सार, हमारे आध्यात्म का निचोड़ इस पत्रिका में दिया जाता है। इसमें ज्ञान का वो अक्षय भंडार है, जो भी इसको जब कभी भी पढ़ेगा, हम रहे या न रहे, लेकिन वो प्रवाह सतत है और वो लोगों में प्रेरणा उत्साह बढ़ता हुआ चला जाएगा। लोग उस ज्ञान को पढ़कर हतप्रभ होते हुए चले जाएंगे, स्तब्ध होते हुए चले जाएंगे। एक सज्जन ने जिंदगी से बहुत परेशान हो गया, उनकी जिंदगी में ग्रह कलह बहुत ज़्यादा थी, पत्नी से कहीं बनती नहीं थी, एक दिन बहुत दुखी हो गए, उन्होंने सोचा आत्महत्या कर लेनी चाहिए और जहर की शीशी भी ले आए। लेकिन आत्महत्या के पहले उन्होंने अपने मित्र से मिलने की आखिरी इच्छा मन में जो थी उनका इसको पूरी कर लेना चाहिए। मित्र के घर गए, मित्र शायद स्नान के लिए गए हों, किसी काम से गए होंगे, वो मिले नहीं। उन्हें कही कि अब जिंदगी तो जानी ही जानी है, थोड़ी देर और सही इंतजार कर लेते हैं। वो बैठे रहे, उनकी मेज़ पर अखंड ज्योति पड़ी थी, उन्होंने अखंड ज्योति उठाई, पढ़ना शुरू किया। पहले संस्मरण पढ़े, कहानियाँ पढ़ी, फिर लेख पढ़ा, पढ़ते उनकी ज़िंदगी में मन मस्तिष्क में भूचाल सा आ गया। वो उठ खड़े हुए और मित्र से बिना मिले ही
वापस चले आए और घर आके अपनी पत्नी से विचार किया, बातचीत की, शांति से सारी समस्याओं का समाधान हो गया। उसके बाद वो व्यक्ति मिशन के बहुत एकनिष्ठ कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उभरे और आज भी वो 2500 से ज़्यादा अखंड ज्योतियाँ बांटते हैं। अखंड ज्योति जीवन का दिव्य प्राण प्रवाह जब जिंदगी में उतरता है तो आदमी के अंदर एक भूचाल सा आ जाता है, वो बिना किए रह नहीं सकता। गुरुदेव के अनेक पहलू हैं जिनमें एक पहलू उनके विचारों इस मिशन को गति देने के लिए गुरुदेव ने दो सशक्त माध्यम लिए, एक लेखनी और एक वाणी, और इन दोनों में ही उन्होंने अपनी साधनात्मक जो अनुभूतियाँ थी, जो सिद्धियाँ थी और उनकी दया ममता करुणा थी, वो सब उन्होंने उड़ेल के रख दी। गुरुदेव का विचार पक्ष तो लोग सब जानते हैं, लेकिन एक और पक्ष जो उनका अभिभावक का है, एक एक ऐसे व्यक्ति का है जिसका अंतरंग ममता करुणा और भाव संवेदनाओं से बराबर लबालब भरा रहा, हमेशा वो प्यार बांटते रहे। अखंड ज्योति के प्रकाशन की जो वो मिलती है वो 1947 से मिलती है, लेकिन इसके पहले भी 1937 में भी वसंत पर्व पर एक अखंड ज्योति प्रकाशित हुई और वो उन दोनों विश्व इतनी प्रबल थी कि उस माहौल में कागज़ नहीं मिल पा रहा था, तो इसकी वजह से बंद कर देनी पड़ी। लेकिन उसके बाद जो अखंड ज्योति जली, हमारा अखंड दीप इस बात का साक्षी है कि गुरुदेव के जीवन में जो भी क्रम आए महत्वपूर्ण मोड़, वो बसंत से ही आए और वो सब सामने आते हुए चले गए। गुरुदेव का वो भाव पक्ष जो उन्होंने तिनके तिनके जोड़कर ये मिशन को सींचा, जो प्यार दिया, उसकी कहानी भी बड़ी विलक्षण है। हर व्यक्ति को इतना प्यार दिया कि जो भी मिला वो निहाल होता हुआ चला गया। ये प्रज्ञा भवन जिसको जानते हैं, पीछे वाली बिल्डिंग, ये बन रही थी, छोटा सा ही शांति कुंज का, इधर का कुछ था ही नहीं। यहाँ इंजीनियर साहब थे बिहारी लाल जी, वो उसे कंस्ट्रक्शन देखा करते थे, दिन भर काम करते थे, इतने साधन भी नहीं थे, इतनी गाड़ियाँ भी नहीं थी, तांगे से आना जाना वो ही साधन थे, सीमेंट आता था, कभी कुछ आता है कभी कुछ, उनको देर हो जाती थी। गुरुदेव माता जी को बहुत चिंता लगती थी, साधन मिलते नहीं हैं, इतनी देर हो जाती है, वो भी संकोच में रह जाते थे। एक दिन जैसे ही उनका तांगा रुका, उन्होंने गुरुदेव माता जी लगभग ऐसे कोई 10-11 के आसपास बजे होंगे, जग रहे थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला और बुलाया, उनका बिहारी लाल जी इतनी देर और तुम आते हो, इतना काम करते हो, बिना खाए सो जाते हो, बेटा भूखा सो जाए। आश्वासन कि ये मिशन नहीं, एक परिवार है जो एक लक्ष्य को लेके आगे चल रहा है, वो पिता माँ का प्यार भरा अंतःकरण जिनकी नहीं भी देखा, वो निहाल होते हुए चले गए। शांति कुंज गई, अपने जीवनदानी कार्यकर्ता है, वो पहली बार आए, सुन तो उन्होंने बहुत रखा था गुरुदेव के बारे में कि लोग गुरुदेव लोगों को क्या क्या देते हैं। गुरुदेव से मिले, बहुत प्रभावित हुए, हंस के कहने लगे, गुरुदेव लोगों को तो आप बहुत देते हैं, उनका बहुत भला करते हैं, लेकिन हम तो आपका कोई भी काम नहीं करते, तो आप फिर हमारा क्यों भला करेंगे। गुरुदेव हंसने लगे, कहने लगे, बेटा जो बालक छोटे होते हैं मस्ती बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको गोद में उठाते हैं और प्यार करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं करते। तुम्हारे प्रति हमारे भाव वही हैं, जो बच्चा कुछ भी नहीं करता उसको भी गोद में उठा के प्यार किया जाता है, तुम भी हमारे उन्हीं बच्चों में से हो, आज नहीं तो कल तुम भी करोगे। आज वो वरिष्ठ अभियंता तिकुंज के जीवनदानी कार्यकर्ता है,
वो प्यार, वो ममता की डोर जो जुड़ी, उसने ऐसा बांधा कि किसी को हिलने नहीं दिया। गुरुदेव कहते थे, बेटा जो भावनाओं से, विचारों से मुझसे जुड़ा है, वो चाहे कुछ कहे या न कहे, मैं हमेशा उसका भला करता रहा हूँ और हमेशा उसका भला करता रहूँगा। जरूरी नहीं कि वो मुँह से कुछ कहे। ब्रह्मवर्चस्व के एक भाई थे, गुरुदेव से बहुत ज़्यादा खुले हुए थे। गुरुदेव के पास तो जो भी आता था इतना ज़्यादा खुल जाता था। अखंड ज्योति जब गुरुदेव शुरू में साइकिल पर बांटने जाते थे, अपने हाथ से साइकिल पे पीछे कैरियर पे बांधी और सबको व्यक्तिगत जाके देते थे। वहाँ विश्राम घाट जब जाते थे मथुरा में घूमने, तो कंधे पड़े अंगोछे को उस विश्राम घाट पे बिछा दिया करते थे और अपने साथ वालों को बिठा के उनसे बात किया करते थे। कैसी बात है, ज्ञान की, ध्यान की, वैराग्य की, इनमें से कोई बात नहीं, न ज्ञान की, न ध्यान की, न वैराग्य की, न भक्ति की, केवल एक ही बात, दुख की, दर्द की, मन की और चैन की। आदमी खुलता हुआ चला जाता था, उसकी आँख से बहते आंसू गुरुदेव अपने हाथों से पहुँचा करते थे। वो प्यार, वो ममता जिस किसी पे उड़ेली, वो पता नहीं क्या से क्या हो गया। ऐसी ही ममता पाए उन भाई ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव जब आप नहीं होंगे, जब आप मर जाएंगे या हम भी कहीं होंगे, पता नहीं आप किस लोक में होंगे और हम किस लोक में होंगे, फिर आप कैसे हमारा ख्याल रखेंगे, क्या तब भी आप ख्याल रखेंगे? गुरुदेव कहने लगे, बेटा शरीर रहे न रहे, लेकिन तुम्हारा जीवन जब तक है तब तक मैं तुम्हारे कुशल क्षेम का जरूर वहन करूँगा। वो इसलिए वहन करूँगा कि शरीर की तो सीमाएँ हैं, लेकिन भावनाओं की कोई सीमा नहीं है। भावनाएं सूर्य की किरणों की तरह से असीम है। जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ सूर्य पहुँचता है, वहाँ उसकी रश्मियाँ पहुँच जाती हैं। फिर कहने लगे, सूर्य क्या है? सूर्य को लोग जनरली समझ लेते हैं ये आग का गोला है। विज्ञान उसको हीलियम हाइड्रोजन का एक गोला मात्र कह देता है, लेकिन उस सूर्य के मर्म को जो कोई जान सका होता वो साधक निहाल हो गया होता। सूर्य केवल आग का गोला नहीं, सूर्य केवल हमारी अंतः चेतना का, आत्मा का प्रतिनिधि नहीं, वो एक प्रत्यक्ष ऐसा देवता है जो हमारे सामने है। वो कर्म देवता, बाकी देवताओं की तो प्रतिमाएं लोग कल्पना करके बनाते हैं, लेकिन वो देवता तो सूर्य हमारे सामने प्रत्यक्ष मौजूद है। दिन भर कर्म करता है, दिन भर कर्म करता है, निरंतर चलता ही रहता है। उसके टाइम में कभी गड़बड़ी होती है, आज तो हमको नींद आ रही है, हम 8 बजे तक सोएंगे, 10 बजे से काम करेंगे। सूरज अगर कभी ये सोच ले कि आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आज सुबह नहीं, मैं दोपहर बाद निकलूँगा, तो गड़बड़ी हो जाएगी भाई साहब, ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा। सोचता है? कभी नहीं सोचता, निरंतर चलता रहता है, न मार्ग की बाधाओं को देखता है। क्या नहीं देखता? उसके रास्ते में क्या समुद्र आ रहा है, क्या रास्ते में पहाड़ आ रहा है, वो बिना बाधाओं को देख के सबको पार करता हुआ निकलता हुआ चला जाता है। न अपना देखता है, न बेगाना देखता है, न हिंदुस्तान है, न पाकिस्तान है, न रूस है, न अमेरिका है, न चीन है, न जापान है, सब में निरंतर प्रकाश बांटता हुआ चला जाता है। सूर्य से प्रेरणा अगर लेकर चले, वो स्वयं प्रकाशवान, हमारा अंतःकरण भी प्रकाशवान हो सके, हम दुनिया में प्रकाश बांट सके। सूर्य न सही, सूर्य से प्रकाश लेने वाले चाँद बन सके, चाँद न बन सके रात के अंधेरे में, चांदी जैसा तो बन ही सकते हैं, अगर चांदनी भी न सही तो टिमटिमाते वो सितारे तो बन सके जिससे लोग मार्गदर्शन ले सके, जिसको देख के बच्चे भी ये कह सके, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। हमारी जिंदगी से कोई प्रेरणा ले सका होता, कोई प्रकाश ले सका होता, हमारी जिंदगी सार्थक हो गई होती, तब हमारे मन में देने का भाव आया होता, बसंत की तरह से
और सूर्य की तरह से हमने जिंदगी भर दिया होता, हमें भगवान के आगे अपनी कामना पूर्ति के लिए आंसू बहाने की जरूरत न पड़ी होती। तब रामायण के पात्र जटायु की तरह से, जिसने संस्कृति की सीता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, भगवान राम के आंसू उस जटायु पर निखरते हुए चले गए थे, अर्पित होते हुए चले गए थे। हमारी भावनाएं अगर इस तरह से नहीं होती तो हमको भगवान से मांगने की जरूरत न पड़ती, भगवान खुद अनुदान देने के लिए हमारे पास चल के आए होते। भगवान करे हम सब की जिंदगी में बसंत सरी की उमंग देने के भाव, सूर्य की तरह देने के भाव जिंदगी में आ जाए, तो हमारा बसंत सार्थक होता हुआ चला जाए। ओम शांति। बहनों और भाइयों, परम श्रद्धे जी ने भाव भरा मार्गदर्शन हमारा किया। हम हृदय से संकल्पित होकर आश्वासन दें कि निश्चित रूप से हम समर्पित भाव लेकर यहाँ से जाएंगे और गुरुदेव के कार्य को करने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। ये हमारा जन्म शताब्दी वर्ष 6-7-8 फरवरी बसंत 2011 से आरंभ हुआ और अब ये 4 फरवरी 2014 तक 3 वर्ष पूरे कर समाप्त होगा। ये सारी अवधि उल्लास भरी है, पर प्रकृति का चक्र बड़ी तेजी से बदल रहा है। यह वर्ष और अगला वर्ष सूर्य के विकराल रूप का है। हमारा मिशन साधना की जड़ों पर खड़ा है, उसे वहीं से पोषण मिलता है। सूर्य गायत्री का इष्ट आराध्य देवता भी है। वह इस वर्ष का हम सब के लिए विशिष्ट प्रयोज्य ग्रहाधिपति भी। हम सूर्य साधना करें, इस पर आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब अपने विचार प्रस्तुत करें। इससे पूर्व एक गीत सुने, जन्म शताब्दी सूर्य साधना, युग वसंत का दौर है, खाली नहीं खाली बैठ नहीं पाओगे, नए सृजन का जोर है। हम सब भी यहाँ से संकल्पित होकर जाएं और इस निमित्त ये हमारे सम्माननीय युग गायक अपनी सशक्त प्रस्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं। सूर्य देव ने कक्षा बदली तो वासंती लहर उठी, युग ऋषि के तप संकल्पों से नए सृजन जन की डगर खुली। जन्म शताब्दी सूर्य साधना, बसंत का दौर है।
पूरे जो बाकी है पूरे कर दिखलाएंगे, पूरे कर दिखलाएंगे। जन्म शताब्दी है ईश्वर की, तीन वर्ष मानिए। जन्म शताब्दी है ईश्वर की, तीनों वर्ष मनाएंगे। युग विचार की बातें जगती में फैलाएंगे, युग विचार युग ऋषि की बातें जगती में फैलाएंगे। रंग माधवी कहीं निराशा सविता सुत बन जाएंगे, सूरज सा धमकेगा जीवन सविता सुत बन जाएंगे। सूर्योदय के बाद सभी के लिए सुबह नव भोर है, लिए सुबह नव भोर है, लिए सुबह नव भोर है। खाली बैठ नहीं पाओगे नए सृजन का जोर है, खाली बैठ नहीं पाओगे नए सृजन का जोर है। युग वसंत का दौर है। दिव्य हिमालय के पीछे से वसंत में जन्म दिवस में ऐसा कुछ कर जाएंगे, वसंत में जन्म दिवस में ऐसा कुछ कर जाएंगे। कोयल बनकर पंचम स्वर में गीत सृजन के गाएंगे, कोयल बनकर पंचम स्वर में गीत सृजन के गाएंगे। पूर्व ही है लक्ष्य हमारे और जग में ठोर है, और जग में ठोर है, और जग में ठोर है। खाली बैठ नहीं पाओगे नए सृजन का जोर है, खाली बैठ नहीं पाओगे नए सृजन का जोर है। युग वसंत का कलियों से गुरुबगिया महकाएगा, हर साधक नूतन कलियों से गुरुबगिया महकाएगा। नव विचार सुख नव प्रेरणा नव उमंग फैलाएगा, नव विचार सुख नव प्रेरणा नव उमंग फैलाएगा। गुरु प्रताप को जग देखेगा, नहीं पाओगे नए सृजन का जोर है।
उठा के ताली बजाइए, सब लोग ताली बजाइए जोर से। खाली बैठ नहीं पाओगे, नए सृजन का दौर है, नए सृजन का दौर है। बहनों और भाइयों, कलाकारों में साहित्यकारों की, कवियों की, चित्रकारों की, मूर्तिकारों की, गायकों की, वादकों की गणना होती है। ये विशेषताएं जनमानस को भाव विभोर करने की, भावना स्तर का स्पर्श करने की क्षमताओं से परिपूर्ण हैं। कला की माता सरस्वती की प्रतिमूर्ति है, उसका उपयोग केवल लोकमानस की उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर करने के लिए ही किया जाना चाहिए। लेखक, पत्रकार, कलाकार, साहित्यकार, चित्रकार, विचारक, कवि और गायक और इन सब से परे वैज्ञानिक के गुणों से संपन्न जिस व्यक्तित्व ने अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर मिशन को नया आयाम दिया, वह हैं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी। आशा, उत्साह, साहस, निरंतर सक्रियता और तन्मयता भरा पुरुषार्थ जिनके जीवन में है, हर पल संघर्षशील रहकर अधिक अधिक समर्पण का भाव लाने वाले हम सबके प्रिय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी, आज उनका मार्गदर्शक भरा उद्बोधन हम सबके सामने है, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। उदीयमान सूर्य सविता प्रसविता सविता, जो ब्रह्मांड को प्रसव करने के कारण सविता कहलाता है, उस सविता का ध्यान करें। उदीयमान सूर्य, उगता हुआ सूर्य, उसका प्रकाश तेज स्वर्णिम प्रकाश हमारे रोम रोम में कण कण में समाता जा रहा है, हम सोख रहे हैं उसको अंदर प्राणों में चेतना में, उसको सोखते चले जा रहे हैं। गायत्री महामंत्र जिसका भावार्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं और देव स्वरूप परमात्मा हमारी बुद्धि को, हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इस भाव के साथ परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का सूर्य के मध्य ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचय श्रद्धा प्रज्ञायुताचय। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज वसंत पंचमी के पावन दिन यहाँ बैठे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे देश विदेश से आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे शांतिकुंज के कार्यकर्ताओं, विश्वविद्यालय कार्यकर्ताओं, आमंत्रित अतिथियों, भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य नहीं होता कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपना जन्मदिवस वसंत को ही क्यों माना। वसंत एक प्रकार से प्रतीक है उल्लास का और परम पूज्य गुरुदेव जीवन भर उल्लासमय जीवन, एक तरह से कहा जाए तो कर्मठ जीवन
किसी भी स्थिति में कभी निराशावाद ना आने देने वाला जीवन। वसंत प्रतीक है आशावाद का, एक बहुत लंबा पीरियड होता है 2-2.5-3 महीने का, जब ठिठुराती हुई ठंड विदा लेती है। आज तो नहीं पता लगता, उत्तर भारत में तो बहुत ठंड है, परंतु वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही सारे माहौल में गर्माहट छा जाती है। सरसों फूलने लगती है, प्रकृति एक नई सुनहरी चादर ओढ़ लेती है, और इतना सुंदर प्रकृति का दृश्य दिखाई पड़ता है चारों तरफ, नए नए अच्छे अच्छे रंग बिरंगे फूल, सुगंधी मादकता दिखाई पड़ती है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है रामचरितमानस में, जब भगवान शंकर की तपश्चर्या को भंग करने के लिए कामदेव जाते हैं, और जब कामदेव जाते हैं उमा पार्वती की तपश्चर्या जो चल रही थी, उस तपश्चर्या में से जो एक निष्कर्ष निकल के आता है कि उमा जो है पार्वती शादी करना चाहती हैं तो उन्हीं से शादी करना चाहती है, महादेव से। अब देवादिदेव महादेव विवाह कब करेंगे, तब करेंगे जब वो उस स्थिति से निकल के आएंगे जहाँ वो हिमालय में बैठे हैं। तो इस काम को सौंपा गया सारे ऋषियों के द्वारा, सारे के सारे देवताओं के द्वारा सौंपा गया कामदेव को कि तुम कामदेव तुम सृजन करो, और ऐसा सृजन करो कि भगवान की भी आँखें खुल जाएँ, भगवान भी आँखें खोल के देखने लगें सृष्टि में। अभी आपने गीत सुनते सुनते कोयल की कूक सुनी होगी, ये भी प्रतीक है वसंत की। मोर की आवाज़ सुनते हैं, वो भी एक प्रतीक है कोयल वसंत की। ये वसंत का सारा माहौल क्रिएट किया हमारे कामदेव ने, और कामदेव ने जैसे क्रिएट किया, जैसे विनिर्मित किया, और चारों तरफ प्रकृति एक नए रंग के साथ आ गई, और बस वो इतना होते ही भगवान शंकर की आँख खुली, और आँख खुलते ही उन्होंने देखा ये कौन है जिसने मेरी तपश्चर्या में विघ्न डाला। कामदेव सामने दिखाई पड़े, कामदेव को तृतीय नेत्रों ने उनका जो आज्ञा चक्र था वो प्रकट हुआ, और उसने उनको दहन कर दिया। कामदेव का दहन होना एक प्रकार से इसका प्रतीक है कि भगवान शिव उस चीज को तो पसंद कर रहे हैं, परंतु उसका जो विकृत रूप हो रहा है कि भगवान शंकर के अंदर काम भावना वासना को उद्दीप्त करने के लिए वो नहीं पसंद किया उन्होंने, और इसी के लिए उन्होंने कामदेव को नष्ट किया। रति विलाप करती हुई आई कामदेव की पत्नी, और विलाप करने के बाद उसको उन्होंने कहा कि ये अनंग कहलाएगा, जिसका कोई शरीर नहीं होगा पर रहेगा, भाव के रूप में रहेगा, विचार के रूप में रहेगा, और लोगों के अंदर जब भी व्याप्त होगा तो लोगों के अंदर रस और अलौकिकता, रस और कलाकारिता के भाव देगा, ढेरों रचनात्मक प्रवृत्तियां पैदा होंगी। मित्रों आज कुछ उल्टा ही हुआ है, आज कामदेव का इतना ज़्यादा प्रकोप छा गया है कि चारों तरफ उसका विकृत रूप देखते हैं, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे टीवी हो, और अश्लीलता का जो दौर छाया हुआ है वो वसंत का विकृत रूप छा जाने के कारण। वसंत अपने आप में एक इतनी बड़ी चीज़ है जिसको कि अगर आप समझेंगे अच्छी तरह से तो आपको समझ में आएगा कि वसंत गुरुदेव ने क्यों चुना। वसंत के चार रंग हैं, वसंत का एक रंग जो है वह है अनुराग। वसंत का अनुराग से मतलब है भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति, मीरा इसकी साक्षात प्रतीक है। वसंत का पहला रंग है अनुराग, वसंत का दूसरा रंग है विराग, वैराग्य। हमारे जीवन में वैराग्य भी आना चाहिए, हमारे जीवन में सकाम जितनी भावना है उन सब से वैराग्य लेने की भावना आनी चाहिए। किसी के मन में आता है गृहस्थ के जीवन में कि हम वैराग्य क्यों लें, किस लिए लें, अगर हम अभी वैराग्य ले लेंगे तो जीवन की चीज़ों का उपभोग नहीं कर पाएंगे, नहीं उन चीज़ों से नहीं, ईर्ष्या से, काम वासनाओं से, द्वेष से, गुस्से से, इन सब चीज़ों से वैराग्य, जिन चीज़ों से हम बनते हैं उन चीज़ों से वैराग्य। विराग की भावना यदि हम देखें तो मित्रों हमें दिखाई पड़ती है, वैराग्य दिखाई पड़ता है स्वामी विवेकानंद के जीवन में। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने जीवन में वैराग्य को जिया, मैं जीवन शुरू से आखिर तक उनका बचपन से लेके, घर के बाहर भी कोई आ जाता था भिक्षुक मांगने के लिए तो घर का जो कुछ भी खाना वाना अगर माँ अगर इधर उधर कहीं होती थी तो खाना भी उठा के दे आते थे पूरा का पूरा, और कहते थे और भी साथियों को ले आओ, सबको दे देना, ये जितने भी हो उनको भी लेते आना, कपड़े भी बांट देते थे सब। बचपन से और आखिर तक उनका जीवन का जो क्रम था देने का रहा। विराग मतलब देना, विराग मतलब बांटना, विराग मतलब यज्ञ का जीवन जीना, यज्ञ में जीवन जीना, वसंत का दूसरा रंग। वसंत का तीसरा रंग है एक और जो यदि आ जाए वास्तव में हमारे जीवन में तो एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत देता है, और वो है वीरता का रंग। वीरता का रंग यदि आ जाए तो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसके लिए खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा देवी चौहान ने लिखा।
और इसके अलावा न जाने कितने हमारे वीर बलिदानी दक्षिणेश्वर की मिट्टी को हाथ में लेकर के फांसी के फंदे पर चढ़ते चले गए। ये कौन लोग थे? ये इनके अंदर वसंत पैदा हुआ था, भगत सिंह। उसके मन में भगत सिंह के अंदर जो वसंत आया था, वो वसंत ऐसा आया कि युवावस्था में सब कुछ कुर्बान करने की बात उसके मन में आई और उसने कुर्बान किया, अपने आप को उसने कुर्बान किया। मैंने अभी पिछले दिनों एक गोष्ठी को संबोधित किया था जो मैंने पंत यूनिवर्सिटी में ली थी, वहाँ मैंने भगत सिंह का एक पत्र पढ़ के सुनाया जो मतवाला नाम की पत्रिका में 1925 में प्रकाशित हुआ। वो पत्र इतना गजब का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि वसंत युवावस्था का नाम है और युवावस्था जब आती है तो उमंग उमंग भर देती है, अंदर से बाहर तक ऐसी आग भर देती है कि जैसे मैं कुछ करके दिखा दूँ, कुछ ऐसा करके दिखा दूँ कि मेरा जीवन जो है वो ये न कहलाए कि मेरे जीवन में मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे जीवन में मैं जितना कुछ कर सकता, अगर मैं तुरंत कर सका और तुरंत भी मर सका राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए बलिवेदी पर चढ़ने का, ये एक बहुत बड़ा पर्व है। ये वसंत को उन्होंने इस तरह संबोधित किया। उन्होंने एक बात लिखी है जिससे पता चलता है कितने बड़े त्यागी बलिदानी थे वो। मित्रों, उन्होंने लिखा है कि वसंत जो है वो इस प्रकार है जैसे कि न जाने कितने बांध तोड़ करके आ रही नदी का उद्दाम वेग। वसंत ऐसा है जैसे हजारों बम के गोलों से अंग्रेजों की सरकार को मिटाने के लिए आ रहा एक एक आवेग जिससे कि सारी सारी सरकार नष्ट होने जा रही हो। मित्रों, ये एक कौन 19 साल का लड़का लिखता है, एक 19 साल का लड़का, और तब लिखता है जब वो उसको उसके मन में अंदर से कुछ कर दिखाने की उमंग है राष्ट्र के लिए। और आश्चर्य की बात नहीं कि 6 साल बाद उन्होंने अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए। तीसरा जो कलर है, तीसरा जो रंग है वसंत का, वीरता का रंग, और चौथा रंग है मित्रों बलिदान का रंग। बलिदान का रंग जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में दिखाई पड़ता है, पल पल क्षण क्षण हर दिन हर मिनट बलिदान बलि चढ़ जाना। किसके लिए? भारतीय संस्कृति के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र को एक चरम लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव ने जो जीवन जिया, बलिदान का जीवन, बलिदानी का जीवन जिया। मुझे वसंत के नाम से तीन व्यक्ति याद आते हैं मित्रों, जिनके जीवन में वसंत आया और जिनके जीवन में वसंत आया जिन्होंने जीवन में वैसा ही जीवन जी के दिखाया जैसा उन्होंने कहा। पहला विवेकानंद, दूसरे गांधी, तीसरे परम पूज्य गुरुदेव। अगर मैं प्रभावित हूँ तो इन तीन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ। ये तीन वो लोग थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने जीवन में इन चारों रंगों को जिया और चारों रंगों को जी करके दिखाया। अगर आप देखें विवेकानंद को देखें तो विवेकानंद ने अपने गुरु के आदेश पर अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब उनके गुरु ने कहा कि अब तो फिर कहीं देखना मत, इधर उधर मत देखना, बस तो उन्होंने कहीं नहीं इधर उधर नहीं देखा। नरेंद्र ने एक दिन कह दिया कि आप कहते हैं सारी दुनिया में घूमेगा और सबको देगा, हमको तो ध्यान करना है, हमको समाधि लगानी है। उन्होंने कहा नहीं, नरेंद्र शिक्षा देबे, नरेंद्र शिक्षा देगा, सारे जगत को शिक्षा देगा, सारे विश्व में मेरे कहे हुए उपदेशों का प्रचार प्रसार करेगा, भारतीय संस्कृति को जन जन के बीच फैलाएगा, ये नरेंद्र करेगा। वो नरेंद्र के लिए उन्होंने कोयले का टुकड़ा रखा था, उससे जमीन पर लिखा, कंठ के गले के कैंसर से पीड़ित थे और उस तकलीफ में उन्होंने लिख करके बताया कि ऐसा करना पड़ेगा, तू कैसे नहीं करेगा, तेरी हड्डियों से भी मैं काम करा लूँगा, ऐसा गुरु कहता है शिष्य से। मित्रों, हमारे गुरुदेव हमें कह के गए हैं कि तुम्हारी हड्डियों से भी काम करा लेंगे, तुमने अगर दीक्षा ली है तो तुमको करना पड़ेगा। हम सबको ये बात याद रखनी कि अगर उनका हम पे ऋण चढ़ा है तो हम लोगों को काम करना पड़ेगा, हम लोगों को अपने जीवन में जी करके दिखाना पड़ेगा। जैसे विवेकानंद को देखा और जैसे राखाल महाराज जो उनके बाद उनके सामने ही प्रेसिडेंट बन गए थे रामकृष्ण मिशन के, उनको देखा और उनके माध्यम से ठाकुर को देखा लोगों ने। ठाकुर कैसे थे? ऐसे होंगे जरूर। ऐसे ही लोग देखना चाहते हैं कि गुरुदेव कैसे थे, ऐसे ही होंगे जरूर, कुछ जैसे दिखाई पड़ते हैं, ये सामने दिखाई पड़ते हैं। हमारा जीवन घटिया तो नहीं है, हमारे जीवन में कहीं आचरण में कोई कमी तो नहीं है, हमारे जीवन में कोई लालसाएं ऐसी तो नहीं है जो हमको दिक्कत दे रही हो। मित्रों, वसंत के दिन इन सब प्रतिज्ञाओं को याद करने का दिन है। स्वामी विवेकानंद का जीवन मैंने आपके सामने रखा। मित्रों, स्वामी विवेकानंद या अपना जैसे तिल तिल करके मैंने चलने वाला जीवन गुरुदेव का बताया, लगभग वैसा भी उनका भी था। आखिरी समय की बात है मित्रों, वो अपना लेक्चर देने के लिए आ रहे थे, लगभग उनकी आयु हो गई थी 36 साल, 1900 का वर्ष चल रहा था। बॉस्टन में वो एक अपना लेक्चर देने के लिए खड़े हुए और खड़े होकर के पूरा हॉल पार्क, जैसे आप मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ उनका मंच लगा है, तो वह पीछे से उनको लेकर के आए, तो दो आदमी, इतनी शरीर इतना क्रश हो गया था, 39 साल की आयु,
39 वर्ष 6 माह और मुश्किल से 4 दिन इतना ही जिए वो, पर वहाँ से आ रहे हैं चल के तो 4 आदमी लेके आ रहे हैं, 2 आदमी एक तरफ से, 2 आदमी एक तरफ से, सारा शरीर उनका काला हो गया था, लगभग लगभग पूरा शरीर में ड्रॉपसी सूजन आ गई थी पूरे शरीर में, और इसके अलावा उनकी एक आँख काम करना बंद कर चुकी थी। कई बार मजाक में कहते भी थे वो लोगों से, मैं शुक्राचार्य हो गया हूँ, अब मैं शुक्राचार्य की तरह से देखता हूँ। मित्रों वो उनको दो हाथ दो आदमी पकड़ के इधर से ला रहे हैं, दो आदमी इधर पकड़ के इधर से ला रहे हैं, जब वो आकर के मंच पर खड़े हुए उन्होंने एक झटका मारा तो एक आदमी उधर हटे, दो आदमी उधर हटे, और उसके बाद उन्होंने अपने गुरु का नाम याद किया, रामकृष्ण भगवान का नाम करते याद करते उनको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। वो 1.5 घंटे तक खड़े होकर के बोलते रहे, और लोगों ने जो वहाँ अमेरिकन शिष्य उनके बैठे थे उन्होंने और जो उनके बाकी शिष्य थे उन्होंने देखा कि उनके चेहरे की रंगत बदल गई, एकदम लाल चेहरा हो गया, उनका चेहरे का तेज दिखाई पड़ने लगा, और वो कालापन जो चेहरे पे दिखाई पड़ रहा था न जाने का गायब हो गया, और वो 1.5 घंटे तक अनवरत अजस्र प्रवाह में बोलते रहे, और वो बोलते रहे, लोग भावभरों के सुनते रहे, और वो जब वो बोल चुके और बोलने के बाद वो नीचे बैठे, वो दो इधर से आए, उन्हें उठा के ले गए। बाद में जब लोग सबके बीच में बैठे 10-15 शिष्यों के बीच में, तो उन्होंने पूछा कि स्वामी जी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ, कोई चमत्कार था आपका कि आप वहाँ से आए तो ऐसे फ्यूज्ड बल्ब की तरह से आए, और आए तो आप यहाँ एकदम जलते हुए बल्ब के रूप में। तो बोले नहीं, ये गुरु का चमत्कार, ठाकुर का नाम लिया, ठाकुर का प्रणाम किया, ठाकुर की बात को कहना था, मेरा अपना कुछ नहीं था, मैंने अपना कुछ नहीं बोला, मैंने सारा गुरु का बोला, और जैसे गुरु का बोलना चालू किया वैसे मेरा चेहरा बदल गया, वैसे मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। मित्रों गुरु इतनी शक्तिशाली चीज़ है, और गुरु का जिसने सहारा ले लिया उसको कहीं किसी तरह सहारे की जरूरत नहीं, सब कुछ मिलता चला जाता। स्वामी विवेकानंद का जीवन मुझे वसंत के जीवन जैसा लगता है। मैं तो वसंत हमारे जीवन में आए तो इसी तरह से आए, त्याग तप तितिक्षा बलिदान बासंती हुक हमारे जीवन में इसी तरह से आए। दूसरा जो दिखाई पड़ता है मुझे गांधी जी का दिखाई पड़ता है। मैं तो गांधी जी ने सत्य के प्रयोग लिखे, गांधी जी ने सत्य को जीवन में जिया। अभी थोड़े दिन पहले मुझे फिर से सहयोग मिला एक बार गुरुदेव माता जी के साथ, माता जी गुरुदेव को मैंने कभी सिनेमा हॉल में जाते नहीं देखा, पर पूरे शांति को इनके साथ सिनेमा हॉल में जाते हुए गुरुदेव को देखा है, और मैं साथ में था जब गांधी पिक्चर आई थी यहाँ हरिद्वार में लगी थी, हम लोग सब के सब पूरे शांति कुंज नहीं पूरा हॉल बुक कराया था, शांति कुंज के सब कार्यकर्ता गुरुदेव माता जी और हम लोग सब देखने गए थे, 1982-83 की बात है। और मित्रों गांधी जी की फिल्म देख के आने के बाद गुरुदेव ने कहा था, इन गांधी जी को मैंने अपनी आंखों से देखा है, काश तुमने आज जो देखा है उसको तुम समझ पाते कि कैसा जीवन जिया है। बहुत सही फिल्म बनाई है जिसने भी बनाई है, गांधी जी जहाँ जहाँ जाएंगे, गांधी जी जिस रूप में जाएंगे, जिस ये फिल्म जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ लोग हर भारतीय का हाथ छू छू के पूछेंगे, क्या तुम उसी देश में पैदा हुए हो जहाँ गांधी पैदा हुआ था, क्या तुम उसी देश में पैदा हुए जो गांधी पैदा हुआ था। मित्रों गांधी ने इतिहास लिख दिया, गांधी ने 100 वर्ष का इतिहास पूरा के पूरा तैयार करके रख दिया हमारे लिए, कि गांधी ने ये जीवन जी के दिखा दिया कि कैसे जीवन जिया जाता है। गांधी जी का जीवन सत्यनिष्ठ जीवन, दृढ़ प्रतिज्ञ जीवन, उनकी आंखों की तरफ देखने के लिए अंग्रेजों ने मना कर रखा था, आंखों की तरफ मत देखना जादू कर देंगे। अभी मुझे 3-4 दिन पहले फिर से एक बार 26 जनवरी के दिन उस फिल्म को थोड़ी देर के लिए करीब 10-15 मिनट देखने का मौका मिला, अंदर से आग सी लग गई, कितना सिद्धांतनिष्ठ जीवन, कितना दृढ़ प्रतिज्ञ जीवन, आखिर तक शुरू से लेकर आखिर तक केवल अंग्रेजों से लड़ना, बैरिस्टर बारटला धुआंधार अंग्रेजी बोलने वाले, यहाँ आने के बाद पूरे भारतीय रंग में रंग गए और आदि धोती पहन करके, जो आदमी लोगों की संवेदना को समझ सकता है, जो संवेदनशील हो सकता है वही लोक से भी हो सकता है, जो संवेदनशील नहीं हो सकता, जो विलासी जीवन जीता है वो लोक से भी नहीं हो सकता। संवेदनशील जीवन जीने वाले गांधी जी को वो दुख दिखाई पड़ गया उस नारी का, जो नारी आधी धोती को धो रही थी, आधी को पहन रही थी, आधी को सूख जाने के बाद फिर आधी को धो रही थी, ऐसा वो दुख देखने के बाद उन्होंने कहा इतना बड़ा तो मैंने पगड़ी पहन रखी है, इतनी बड़ी मैंने धोती ओढ़ रखी है, मैं तो सोच रहा था भारतीय यूनिफॉर्म पहनने के बाद मुझे सबके सब अच्छा मानेंगे, पर नहीं, मैं मुझे ये भी नहीं चाहिए उन्होंने, और उसको भी आधा फाड़ लिया और आधी धोती पहन के चले। कोई लोग कह सकते हैं अतिवाद है, परंतु एक व्यक्ति को अपना मॉडल रखना था सामने, उनको अपने मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत करना था कि भारत के लिए आदर्श क्या होना चाहिए। मित्रों आज़ादी के साथ हमने गांधी को ही मार दिया, गांधी की शहादत वसंत पंचमी के आसपास आती है, गांधी की शहादत के साथ सुभाष चंद्र बोस की जयंती इसी समय आती है, सुभाष चंद्र बोस परम पूज्य गुरुदेव महात्मा गांधी और ये हमारे जितने भी स्वामी विवेकानंद वो भी इसी 12 जनवरी इसी महीने में आते हैं, ये हमको एक
बहुत बढ़िया चीज से मुक्ति दिलाते हैं, जड़ता से, दासता से, गुलामी से, आदतों की गुलामी से, अपनी विवशताओं से, अपनी तरह तरह की दुर्विसंधियों से, जिनसे हम बार बार काम नहीं होता, क्या करें, मन नहीं लगता, क्या करें, आलस्य बहुत ज़्यादा आ जाता है, काम करने बैठते हैं तो सिर दुखने लगता है, काम करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बात कर लेंगे, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन, बात को आगे बढ़ाते चलना, बात को आगे बढ़ाते चलना, आलस्य और प्रमाद ये हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। इन दुर्बलताओं से मुक्ति दिलाता है वसंत, इसलिए वसंत गुरुदेव ने चुना। और हर वसंत के दिन उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने नई शुरुआत की। पहला वसंत उनके जीवन में जो आया मित्रों, वो 1926 का वसंत था। वैसे तो गुरुदेव का हर जीवन वसंत का स्वरूप है, हर दिन उनका वसंत का स्वरूप है, परंतु पहला जो जीवन का दिन आया 20 जनवरी 1926, वो उनके जीवन का पहला वसंत था। और वो उनके जीवन का पहला वसंत ऐसा था जिसमें उनके गुरु आए उनके जीवन में, सूक्ष्म शरीरधारी परोक्ष रूप में आकर के उनके पूजा की कोठरी में, जो आपने आंवलखेड़ा में देखी है या नहीं देखी हो तो कल्पना कर सकते हैं उसके बारे में, कि वो आए और आकर के उन्होंने अपना दर्शन दिया और अपने विराट रूप को दिखा करके बोला कि हम तुम्हारे 3 जन्मों को जानते हैं, और भी चाहो तो कई जन्मों को दिखा सकते हैं, तुम्हें इन काम को करना पड़ेगा, तुम्हें 24 लक्ष्य 24 महापुरुषण करना पड़ेंगे, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा, सारे इंस्ट्रक्शन देते चले गए। और 15 साल का वो बच्चा सुनता चला गया। पहला जन्मदिन उनका बड़ा विलक्षण बीता, उस दिन से उनको आध्यात्मिक जन्मदिवस उन्होंने मनाने की प्रेरणा आई और पहला जन्मदिन उनका वसंत पंचमी से चालू हुआ। मित्रों हर जन्मदिन उनका नई प्रेरणा देते चला गया, हर जन्मदिन। अगर गुरुदेव के जीवन क्रम को देखें, गुरुदेव ने अखंड दीपक जलाया वसंत पंचमी के दिन, गुरुदेव ने अखंड ज्योति आरंभ की वसंत पंचमी के दिन, गुरुदेव ने अखंड ज्योति संस्थान में प्रवेश किया अखंड वसंत पंचमी के दिन, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री तपोभूमि की का निर्माण का क्रम आरंभ किया वसंत पंचमी के दिन, परम पूज्य गुरुदेव ने हर काम यानी यहाँ तक कि आर्ष ग्रंथों का भाष्य वगैरह आरंभ किया वसंत पंचमी के दिन। माता सरस्वती के वरद पुत्र परम पूज्य गुरुदेव, उनके जीवन में जिस तरह से वसंत आया मित्रों, ऐसे हम सबके जीवन में आना चाहिए। वसंत के माध्यम से उन्होंने न जाने कितनी एक बड़ी क्रांतिकारी संदेश, मतलब और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने वसंत पंचमी को आध्यात्मिक जन्म दिवस घोषित करके वसंत पंचमी से सारी शुरुआत करके ब्रह्मचर्य शोध संस्थान का शुभारंभ, हमारे जितने भी नए नए प्रकल्प हैं उनका शुभारंभ, महापुरुष चरणों का शुभारंभ, 108 कुंडी यज्ञ की योजना का शुभारंभ, 1008 कुंडी यज्ञों का शुभारंभ, सारा के सारा सब कुछ परम पूज्य गुरुदेव का इस वसंत पंचमी से शुरू होता है। मित्रों वसंत पंचमी परम पूज्य गुरुदेव के जीवन का पर्याय है, 3 पर्यायवाची हैं। अगर गुरुदेव के सिनोनिम्स ढूंढना हो कि गुरुदेव को कहाँ ढूंढें, भगवान कृष्ण ने विभूति योग में चर्चा की है, मैं यहाँ हूँ, तो भगवान अर्जुन जो है वो बार बार कई तरह की झलकियाँ देखता है, भगवान परमात्मा 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 सुनता है, मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, तो बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो कहता है केशु केशु च भावेशु चिंत्योसि भगवन्मया, मैं किन किन भावों में आपका ध्यान करूँ, आप मुझे किन किन भावों में दिखाई पड़ें, आप कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ मौजूद हैं, फिर बताते हैं मैं गायत्री मंत्र के रूप में हूँ छंदों में, मैं भगवान राम के रूप में हूँ क्षत्रियों में, मैं वृष्णियों में वासुदेव के रूप में हूँ, मतलब अपने बारे में बोलते हैं कि जितने वृष्णि वंश के लोग हैं उनमें उनमें वासुदेव के रूप में हूँ, वो कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, परमात्मा के बारे में नहीं बोल रहे हैं, परमात्मा परमात्मा ही है, तो परमात्मा की विभूति चमक दिखाई पड़ती कहीं कहीं, चमक गुरुदेव की चमक 3 जगह दिखाई पड़ती है। मतलब अगर गुरुदेव की चमक देखनी है तो वसंत में देखें, गायत्री में देखें और यज्ञ में देखें, वसंत में देखें, गायत्री में देखें और यज्ञ में देखें। गायत्री और यज्ञ गुरुदेव की विभूतियाँ हैं, गायत्री और यज्ञ जो है कोई कर्मकांड नहीं है, गायत्री और यज्ञ केवल हमारे लिए दिया हुआ कोई गुरुदेव का एक ऐसा उपहार नहीं है कि इससे आप प्रचार करना तो आपको खूब पैसा आएगा, खूब संगठन खड़ा हो जाएगा, नहीं, गायत्री और यज्ञ गुरुदेव हैं, साक्षात गुरुदेव की विभूति हैं। यदि हम वसंत गायत्री और यज्ञ इन 3 चीज़ों को मान लें तो हमारा जीवन वास्तव में बहुत बढ़िया बन जाए। मित्रों परम पूज्य गुरुदेव का ये जन्मदिवस आध्यात्मिक जन्मदिवस शताब्दी वर्ष मन रहा है, शताब्दी वर्ष 2011 से आरंभ हुआ 6, 7, 8 फरवरी 2000 इसका समापन हो रहा है आज 28 तारीख को। आज के दिन पूरे देश में लगभग 20,000 स्थानों से लेकर 40,000 स्थानों पर एक साथ पूरे विश्व में भी शनिवार रविवार होने की वजह से सब जगह एक साथ मशाल जुलूस निकलेगा। और शाम हमारे यहाँ तो चूंकि चुनाव चल रहा है, ये वसंतोत्सव के साथ एक और चुनाव उत्सव आ गया, तो उसमें सब के सब यहाँ से वहाँ तक सब रिपीट करते हुए चलते हैं, दुनिया भर की बातें हमको जो अभी तक देशभक्ति के गीत सुने नहीं थे, देशभक्ति के गीत हमारे नेता आजकल के नेता ये लोग सुनाते हैं, सारे फिल्मी गीत जितने भी, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो नेताजी गा रहे हैं। मालूम नहीं क्या समझ में नहीं आता है, कौन सा देश है, कौन से देश के कौन से राजा लोग आ गए जो हर 5वें साल हमको याद करने के लिए आ जाते हैं। तो
आज शाम को वो प्रचार बंद हो जाएगा, समापन हो जाएगा, वो चुनाव उत्सव जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है ये। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव की मैं आपको बात बता रहा था कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो ये इस चुनाव उत्सव के कारण हमारा ये मशाल जुलूस कैंसिल हो गया, मैं इसलिए बताना चाहता था। हम यहाँ से लेकर पूरे हर की पेड़ी होते हुए यहाँ तक जाना चाहते थे, मशाल जुलूस निकालना चाहते थे, पर वो उसकी वजह से बंद हो गया, कैंसिल हो गया, पर पूरे देश में निकलेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, जैसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा था उस तरह से हम बदलेंगे युग बदलेगा का नारा लगाते हुए सारे देश में आज हजारों लाखों कार्यकर्ता घूमेंगे। हम बदलेंगे, तो अभी आप तैयार नहीं थे, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, ये नारा आज लगाएंगे शाम को सब लोग सारे देश में, क्योंकि आज पूर्व संध्या है, आज ये वसंत का दिन है, कल उत्तर संध्या है, कल भी सारे देश में अलग अलग जगह व्याख्यान मालाएं होंगी। मित्रों, ये परम पूज्य गुरुदेव का जो जन्म दिवस है ये उसका पहला वर्ष का समापन, पर ये समापन नहीं है, अभी दो साल, दूसरा साल चालू हो गया, सूर्य साधना का अनुयाज वर्ष, और ये चलेगा दो साल। सूर्य कभी कभी, सूर्य जो है, अभी जी ने आपको बताया सूर्य के बारे में कि सूर्य किस तरह से हमारे लिए हाइड्रोजन हीलियम का आग का गोला नहीं है, पर सूर्य के तीन स्वरूप हैं। एक स्थूल स्वरूप है, जिसको हम सही रूप में कहा जाए तो आदिभौतिक स्वरूप बोलते हैं। दूसरा है आध्यात्मिक स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप यानी सटलर फॉर्म, सूक्ष्म रूप आदिभौतिक स्वरूप, आदिभौतिक आदिदैविक और आध्यात्मिक। आदिभौतिक फिजिकल स्थूल, आदिदैविक सूक्ष्म, और आध्यात्मिक अंतर जो बहुत सूक्ष्म और कारण वाला स्वरूप। जो दूसरा वाला स्वरूप है वो है ग्रहों का अधिपति, सारे ग्रह उसके मार्गदर्शन में चलते, मॉनिटर है वो, क्लास मॉनिटर है पूरा, सारे ग्रह उसकी बात सुन के चलते हैं, चंद्रमा से लेकर के शनि से लेकर सब कुछ। और इसके अलावा जातक का वो एक प्रकार से सब कुछ नियंता है, भावों का प्रेरक है, भावों का प्रेरक, जातक की भावों चिंतन का विचारों का नियंत्रक, और इसके अलावा वो ग्रहों का अधिपति। तीसरा जो तेज है वो अतिमानसिक ज्योति है, विराट पुरुष का प्रकाश है, ये है आध्यात्मिक तेज। ये जो सूर्य है ये इन दिनों कई चक्र उसके एक साथ जुड़ के सामने आ गए हैं, इसके जो अंदर जो कोरोना होता है सूर्य के अंदर, उसके रेडिएशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तेजी से। अभी तीन दिन पहले एक डेल्टा की फ्लाइट आ रही थी, उसको डाइवर्ट करना पड़ा क्योंकि सूर्य से तूफान आने लगे थे, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आने लगे थे, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स। उसी तरह से इसके कोरोना से जो आने वाले उफान हैं वो सारे के सारे पृथ्वी पर आने लगेंगे, तो पृथ्वी पर विभीषिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए हमको, इसलिए सूर्य की आराधना करना चाहिए, सूर्य का ध्यान करेंगे नित्य सुबह सूर्योदय के समय। बड़ा मुश्किल है, आजकल सुबह उठता हुआ मुझे बहुत कम लोग लगते हैं, शांति कुंज में दिखते हैं कहीं और कहीं कहीं दिखते होंगे, पर सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठने वाले लोग नहीं दिखाई पड़ते। मुझे याद है मैं कभी पहले बाहर जाता था, दिल्ली जाता था, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में न्यूज़पेपर मिल जाते थे, परंतु अभी क्या हो गया है कि 8 बजे तक अर्ली मॉर्निंग किसी की होती नहीं, तब तक तो सूर्य भगवान ऊपर आ जाते हैं। अरे उठो उठो भाई, सूरज ऊपर आ गया, अब कहने की जो परंपरा माँ के ज़माने की रही होंगी वही हम लोग ध्यान रखते हैं। सूर्य जो है वो सही अर्थों में सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुष्च, सूर्य जगत की आत्मा है, और सूर्य कर्म का प्रतीक है, सूर्य कर्म करता रहता है निरंतर, सुवति प्रेरिति कर्मणि लोकम इति सूर्य, सतत कर्म करने की जो प्रेरणा दे वो सूर्य है। तो ऐसे सूर्य भगवान को अपने जो अंदर से आने वाले उनके जो उफान हैं उन सब का एक कॉन्ग्लोमरेटेड, एक समन्वित स्वरूप आ गया है, सभी चीज़ एक साथ मिल गई हैं। क्या क्या मिल गई हैं इस समय, उसके अंदर जो चुंबकीय तूफान चल रहे हैं वो भी मिल गए हैं, सन स्पॉट्स आते थे वो भी मिल गए हैं, सोलर फ्लेयर्स आते थे वो भी मिल गए हैं, और उस 2012-2013 दो वर्ष ऐसे हैं जब हो सकता है कि चलते चलते प्लेन टपक जाए, क्यों, सैटेलाइट्स काम करना बंद कर सकते हैं, हो सकता है जिस वजह से हम इतना नाच करते हैं अपने जेब में मोबाइल लेके घूमते हैं और कभी भी धुन बज जाती है कहीं पर भी, वो वाला मोबाइल बंद हो जाए क्योंकि सैटेलाइट्स बंद हो जाएंगे। सूर्य सभी चीज़ों का नियंत्रक है, और वो सूर्य इस समय गर्म है, सूर्य गर्म है मतलब सूर्य बहुत तेजी से अपने विस्फोट के माध्यम से एक्सप्लोजन, सोलर एक्सप्लोजन से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कब तक आएंगे, 2014 के मध्य तक आएंगे। हमें क्या करना है, इन 2-2.5 वर्षों में सूर्य साधना करनी है। हमने मंत्र दिया है, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ये मंत्र इसके का जप करें, एक माला एक्स्ट्रा, बस एक माला एक्स्ट्रा कर लें। इसके अलावा क्या करें, सूर्य को ध्यान करें, सूर्य के ध्यान के साथ जप का, गायत्री का जप करें। आप तो गायत्री पहले से भी जपते थे, हाँ जपते थे, तो क्या गायत्री का देवता सूर्य नहीं है, गायत्री का देवता सूर्य ही है, पर सूर्य की एक्स्ट्रा एक माला कर लीजिए,
गायत्री मंत्र का जप करिए, गायत्री मंत्र के जप के साथ निरंतर भावना ये सूर्य का ध्यान, सूर्य का ध्यान, सूर्य का ध्यान, सूर्य का ध्यान। मित्रों ये एक हमारी विशेष प्रार्थना है कि इस वर्ष अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी और पूरी सृष्टि के ऊपर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। तो विभिन्न प्रकार की जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि और भूकंप, महामारी, इस तरह की कोई चीज़ें आ सकती हैं, वो आने का सिलसिला कम हो जाएगा, वह कम आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति सूर्य की आपको मिलेगी। सूर्य की शक्ति से पवन सुत शक्ति पा सके और हनुमान बने। सूर्य की शक्ति से ही धौम्य ऋषि ने जो शक्ति दी वो सारी की सारी भगवान राम को मिली, उसी वजह से उन्होंने रावण को मार पाए। अवतार को भी सूर्य की शक्ति की जरूरत पड़ी। और मित्रों सूर्य हमारे अंदर है, नाभि चक्र, नाभि चक्र को सोलर प्लेक्सस कहते हैं। इस सूर्य चक्र का ध्यान करेंगे साधना के समय और ध्यान करके भावना करेंगे सूर्य चक्र आपका ऊपर उठता हुआ चला जा रहा है, हृदय में आ गया है, हृदय से उठता उठता आपके आज्ञा चक्र में आ गया है, सहस्रार चक्र में आ गया है, आपका मूलाधार ऊपर उठने लगेगा। मूलाधार ऊपर उठने का मतलब है आपकी काम वासनाएं, नीचे जाने वाली जो दमित कामना है वो नीचे से जाने के बजाय ऊपर उठेंगी और दिव्य कामनाओं में, भावनाओं में बदल जाएंगे। ये सूर्य को आप नित्य अपने अंदर धारण कर सकते हैं। सारे देश में सूर्य साधना का क्रम चल पड़ा है और आगे भी मित्रों हम इसका मार्गदर्शन देते रहेंगे। एक सूर्य साधना पर एक किताब निकाल रहे हैं, सूर्य विशेषांक पूरा का पूरा, एक अखंड ज्योति का विशेषांक निकाल रहे हैं, एक किताब निकाल रहे हैं। किताब पहले आ जाएगी आपके पास, अप्रैल मई के अंतर्गत बीच में आ जाएगी और उसके बाद फिर अखंड ज्योति पत्रिका आएगी। मित्रों सूर्य साधना में तीन चार चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रातःकाल उठते ही सूर्य को प्रणाम, सूर्य में को प्रणाम न कर पाए तो सूर्य की दिशा में प्रणाम, सूर्य को अर्घ, सूर्य को अर्घ देते हुए भावना कि इसका इसके प्रकाश किरण सब जगह जाए, सूर्य का प्राणायाम लोम विलोम सूर्य भेदन प्राणायाम, और उसके साथ साथ दिन में जब भी आप गायत्री मंत्र का जप करें तो सूर्य का ध्यान। मित्रों ये अगर आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से इसकी शक्ति आपको मिलेगी। इस सूर्य साधना वर्ष के साथ, सौर साधना वर्ष जो आपने सुना है उसके साथ साथ जो कार्ड आपको मिलेगा आज उस पर जो सौर साधना वर्ष लिखा है उसके साथ साथ आपको एक बात ध्यान रखनी, हीरक जयंती वर्ष, अखंड ज्योति का हीरक जयंती वर्ष। अखंड ज्योति के बारे में दीदी इतना विस्तार से बता चुकी हैं, मैं लिखता हूँ अखंड ज्योति, मेरे साथ साथ मेरे सहयोगी भी लिखते हैं, मैं संपादक हूँ। मंत्र गुरुदेव ने कहा था कि बेटा ये मान के चलना प्राण प्रवाह वहाँ से आता है, हिमालय के ध्रुव केंद्र से, बहुत वाइब्रेंट पावर हाउस है स्पिरिचुअल एनर्जी का, बहुत ही अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र है, वहाँ से आता है, तुम जब भी लिखो ये मान के चलना वहीं से आता है। मैं न रहूँ ना रहूँ परंतु ये पत्रिका का प्रवाह निरंतर चलता रहेगा और तुम्हारे बाद भी चलता रहेगा। इसलिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई संपादक है और कोई रहेगा या नहीं रहेगा। गुरुदेव ने एक लेख लिखा था, ज्योति कभी बुझेगी नहीं। जितने भी गुरुदेव ने उसमें उस लेख में लिखा है कि जितने भी संस्थान हैं हमारे, जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी हमारे शांतिकुंज के कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे फील्ड के कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमसे जुड़े हुए और हमसे अंदर दिल से जो हमारा संबंध जिनका है, ऐसे जितने भी कार्यकर्ता हैं जो हमको अपना मानते हैं, हमको अपना पिता मानते हैं, वो सब अखंड ज्योति के बच्चे हैं, अखंड ज्योति के अंडे बच्चे हैं, सबके सब अखंड ज्योति से पैदा हुए हैं सारे के सारे। इतना बहुत विलक्षण कहानी है जी आपको पूरे विस्तार से नहीं बता पाई, वो भावना में चली गई, पर उन्होंने बताया नहीं आपको कि किस तरह से हाथ से चलने वाली प्रेस पर गुरुदेव और माता जी दोनों बैठते थे और दोनों बैठ करके छापते थे, और वो जो छापते थे उस अखंड ज्योति पत्रिका को, हाथ से छपी पत्रिका को 10 वर्ष तक निकाला जाता रहा। 10 वर्ष बाद फिर जाकर प्रिंटिंग प्रेस आई। मित्रों आज तो हमारे पास कुछ नहीं, आज हमारे पास एक पेन है, उस पेन से हम लिखते हैं, लिख करके हम टाइप करने को देते हैं, टाइप हो जाता है, सीधा ईमेल हो जाता है, मैटर पूरा चला जाता है, अखंड ज्योति का छप जाती है, अखंड ज्योति आपके पास आ जाती है 1 महीने पहले। उस जमाने में गुरुदेव ने कितने श्रम साधना की होगी मित्रों। एक संपादक आए, कल्याण पत्रिका आपने सुनी होगी, गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण की, वो आए और उनको गुरुदेव ने दिखाया अपना पूरा के पूरा और कहा कि हमने अखंड ज्योति पत्रिका आरंभ की है, बिना किसी विज्ञापन के हम चलाएंगे इसको। तो उन्होंने कहा आप जल्दी से जल्दी तैयारी कर लो कोई और काम ढूंढने की, क्यों ये पत्रिका नहीं चलेगी आपकी, बिना विज्ञापन के चलाएंगे और पत्रिका चलाएंगे कैसे चलाएंगे, हम गीता प्रेस चलाते हैं, गीता प्रेस सब्सिडी पर चलती है, इतने सारे लोग उसको अनुदान देते हैं तब जाके चलती है, आप कैसे चलाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा हम चलाएंगे चलाएंगे और चला के दिखा देंगे, आप देखते रह जाएंगे। मित्रों आप आश्चर्य करेंगे कि वही हमारे गीता प्रेस गोरखपुर से एक व्यक्ति और हमारे गोरखपुर का ही जो विट्ठल दास मोदी वहाँ के थे, वो लोग आए गुरुदेव से मिलने, तो उन्होंने आकर के सबसे पहले साष्टांग प्रणाम किया और ये कहा कि आपके संकल्प को हम मान गए,
आपके संकल्प की वजह से ही ये पत्रिका चली है, आज लाखों व्यक्तियों को यदि प्रेरणा दे रही है तो पत्रिका दे रही है। मित्र, हम सब अखंड ज्योति के बच्चे हैं, वास्तव सही अर्थों में अखंड ज्योति से निकले हैं। अखंड ज्योति के पाठकों के क्लब आपको जगह जगह बनाने पड़ेंगे। अखंड ज्योति पाठक क्लबों की आप जगह जगह मीटिंग आयोजित करिए और आप खुद अखंड ज्योति पढ़ के जाइए और पढ़ के सुनाइए। कुछ नहीं करना है, आप प्रवचन देने वाले बन जाएंगे, प्रवचन देने वाले बन जाएंगे, गुरुदेव के संदेश भाग बन जाएंगे। उनसे पूछिए प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। मित्रों, हमको तीन कार्यक्रम देना है इस साल के, तीन कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम हमारा विचार विस्तार, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों का विस्तार, जितने ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचा सकें गुरुदेव के विचारों को। 3000 से ज़्यादा किताबें हैं गुरुदेव की, उनके पैकेजेस कई रूप में बनते हैं। ढेर सारे लोगों के, कॉर्पोरेट पीपल के लिए अलग ढंग के बनते हैं, विद्यार्थियों के लिए अलग बनते हैं, शिक्षकों के लिए, अध्यापकों के लिए अलग बनते हैं, डॉक्टर्स के लिए अलग बनते हैं, इंजीनियर्स के लिए अलग बनते हैं, अलग अलग ढंग के पैकेजेस बनाएंगे। गुरुदेव के साहित्य को ही लिखना है और कुछ नहीं। जैसे कहते हैं ना, दवा तो एक जैसी आती है परंतु अलग अलग बॉटल में भर दी जाती है। गुरुदेव का ही विचार प्रवाह है परंतु उसको भरना पड़ेगा। हम लोगों ने इंटरनेट में भर दिया और 1940 से लेकर अब तक की अखंड ज्योति सारी सारी, जिसको डाउनलोड करना हो वो अखंड ज्योति में जाकर डाउनलोड कर ले। हम बोल रहे हो कुछ और आपको लगता हो कि डॉक्टर साहब गलत बोल रहे हैं, अखंड ज्योति में नहीं लिखा था, तो आप जाके देख लो, चेक कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। सब कुछ प्रमाण है, पूरा के पूरा गुरुदेव के साहित्य को भी, पूरा के पूरा जितना भी है उसको भी अखंड ज्योति को सहित हम इंटरनेट पर रख रहे हैं। मित्रों, ये एक इतनी बड़ी प्रामाणिकता है जिसके माध्यम से अपन विद्या विस्तार, विचार विस्तार, क्योंकि आज का दिन जो है विद्या को याद करने का दिन है। कला और उल्लास की देवी तो है ही, इसके अर्थात विद्या की भी देवी है सरस्वती। उस सरस्वती को विद्या के रूप में हम घर घर फैला सकते हैं, कैसे फैला सकते हैं वो जरा आप सोचिएगा। इसके लिए हमें विचार विस्तार का क्रम बनाना पड़ेगा सारे देश में, सारे विदेश में, अलग अलग देशों में। उसके लिए अखंड ज्योति की हम लोग करीब करीब 10 और भाषाओं में पत्रिका निकालने वहाँ का तंत्र खड़ा करेंगे और एक नया तंत्र खड़ा करके उसमें अखंड ज्योति में थोड़ा सा हम लोग परिवर्तन भी ला रहे हैं कि जैसे क्रिश्चियंस लोग एग्जाम लेते हैं उस तरह से हम एग्जाम लेने का क्रम बनाएंगे। एग्जाम में कोई प्रश्न के उत्तर देकर कोई जवाब उनको भेजना नहीं है या उनको कोई चेक नहीं होगी कॉपी, उनको केवल उत्तर देना है। उत्तर देने के बाद यहाँ से प्रमाण पत्र जाएगा, प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर देना है, उत्तर की कॉपी हमको भेज देना बस केवल। और उसके माध्यम से सारा का सारा जो है ये एक स्वाध्याय, अखंड ज्योति का स्वाध्याय बढ़ने लगेगा, लोग इसके माध्यम से बढ़ेंगे। ये पत्राचार पाठ्यक्रम चालू करेंगे, पत्राचार पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र हम यहाँ से देंगे सबको। आप देखिए, कौन नहीं चाहेगा कि अखंड ज्योति के पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से मैं भी कुछ ऊंचा उठूं, ये जानने के मन हो उसको। ये एक क्रम हम चालू कर रहे हैं। दूसरा विद्या विस्तार पहला, दूसरा विभूति ज्ञान यज्ञ। मित्रों, विभिन्न विभूतियों के रूप में जैसे मैंने कहा था, गुरुदेव ने कहा गुरुदेव मौजूद हैं, भगवान कृष्ण मौजूद हैं, इसी तरह से अगर आपको गुरुदेव की विभूति देखना है, गुरुदेव की विभूतियों को देखना है, तो जितने भी विभूतिवान पुरुष हैं सारे देश में, गुरुदेव ने कहा युग निर्माण जगह जगह देगा, जगह जगह से फटफट के बोलेगा, हजारों लोग न जाने कितने तरह से बोलेंगे, उन सबको तुम अपने मंच पे लाके खड़ा करो, उन सबके मंच पे तुम अपनी बात जाके कहो। वो हमारे यहाँ आए, हमारे ऑडिटोरियम बन के तैयार हैं। हम हर महीने एक 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 कार्यक्रम ऐसा करेंगे जिसमें कि हम उनके विचारों को टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और प्रसारित करेंगे कि देखिए हम जो बात कहते हैं गुरुदेव की बात को, गुरुदेव के विचारों को इन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद ही अपनी बात कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं वो वही बोलेंगे जो गुरुदेव कहलवाना चाहते हैं। तो ऐसे हर व्यक्ति, बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े विभूतियाँ, तो विभूति ज्ञान यज्ञ, पहला विद्या विस्तार यज्ञ, दूसरा विभूति ज्ञान यज्ञ, तीसरा मित्रों जो है सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है वह है हमारा भगत सिंह वाला क्रम। युवावस्था को पहचान करके, युवा भारत को पहचान करके, युवा भारत को विस्तार देना, दिशा देना, गति देना और युवा आंदोलन के माध्यम से पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में तेजी से गतिविधियां चलाना। और मित्रों, उसके लिए अभी हम प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर रहे हैं फरवरी महीने में यहाँ पर, जिसमें हम छांटेंगे लोगों को और भारत में और विदेश में सब जगह युवाओं के कैंप लगाएंगे। युवा कौन है? युवा वो है जो जिसके अंदर वसंत जिंदा हो, युवा वो है जिसके अंदर गुरुदेव जिंदा हो। अगर गुरुदेव जिंदा है तो फिर 60 साल की उम्र में भी आप काम कर रहे हैं, 70 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं। जैसे सूरज नहीं सोता, इस तरह से आपको भी नहीं सोना चाहिए। जैसे आप कोई वो विश्राम नहीं करते थे गुरुदेव, ऐसे आपको भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर गुरुदेव क्षण क्षण कण कण में बोल रहे हैं तो आपके अंदर एक कार्यक्रम उभर के आना चाहिए। हम अपने खुद के युवाओं को, अपने बच्चों को खड़ा कर सकते हैं क्या? मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे पर पोते अगर मिशन में खड़े हो जाएं तो क्या होगा? संगठन आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। ये काम आपको सोचना पड़ेगा। आज हमने विश्वविद्यालय बना दिया, विश्वविद्यालय में युवाओं को तैयार कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के माध्यम से क्रांति की बात सोची हमने,
वो क्रांति हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे मित्रों। आने वाले 20 साल के अंदर इस विश्वविद्यालय के माध्यम से ऐसे ऐसे लोग निकलेंगे जैसे राजा महेंद्र प्रताप ने निकाले थे, और वो सारे के सारे देश के लिए, आज़ादी के लिए मर खप गए थे। मित्रों अगर आपको इस ऐसा लगता हो कि ऐसे बलिदानी लोग तैयार होने की संभावना है, तो ऐसे लोग वहाँ तैयार हो रहे हैं। अभी आपको थोड़ी सूक्ष्म क्रांति है, धीरे धीरे दिखाई नहीं पड़ती, जैसे दिखाई पड़ेगी आपको पता चलेगा कि वास्तव में एक नया आंदोलन खड़ा हो गया है। मित्रों ये जन्म शताब्दी वर्ष का दूसरा वर्ष है, तीसरा वर्ष हमारा ज्ञान विस्तार का वर्ष होगा, जिसमें स्वामी विवेकानंद की जयंती 150वीं जयंती हम लोग मनाएंगे, और ये 150वीं जयंती हमारी 2020 तक निरंतर प्रकाश देती रहेगी, हमें गति देती रहेगी। आप और हम सब मिलकर के उत्साह को कम न होने दें, अपने काम को इतनी गति दें कि अखंड ज्योति अगणित लोगों तक पहुंच जाए, सूर्य साधना का क्रम अगणित लोगों द्वारा संपन्न होने लगे, फिर सूर्य के माध्यम से भारत में कम किसी को विपत्ति ना आए। दूसरे देश सोचने लगेंगे कि अगर भारत में अगर विपत्ति नहीं आ रही तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र के माध्यम से गायत्री परिवार द्वारा की जा रही सूर्य साधना, हमारे देश में भी सूर्य साधना होनी चाहिए। तो मित्रों आश्चर्य मत करिएगा, भारतीय संस्कृति के सारे आर्ष ग्रंथ के जितने भी हैं ये सब के सब अन्य भाषाओं में अनुवाद होकर के पहुंच जाएंगे, और सारे विभिन्न देशों में सूर्य साधना हो रही होगी, सूर्य शांत होगा, तो निश्चित रूप से मित्रों हमारे सभी लोगों को प्रकोपों से मुक्ति मिलेगी। खूब खूब मंगल कामनाएं परम पूज्य गुरुदेव के जन्मदिवस की, आपको भी खूब खूब मंगल कामनाएं, आशीर्वाद। बहनों और भाइयों, वसंत पर्व पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने हमको तीन प्रोग्राम दिए हैं, ज्ञान विस्तार का, विभूति ज्ञान यज्ञ का, और युवाओं के लिए। संकल्पित होकर यहाँ से जाएं। आज बड़ा सौभाग्य है कि हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी भाषाओं की कुछ पुस्तकों का विमोचन, कृपया बैठे रहें, कोई उठेगा नहीं, कृपया बैठे रहें। देखिए जब तक श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी यहाँ पर हैं, कृपया बैठे रहिए, आप क्यों उठ रहे हैं, कृपया निवेदन है, विनम्र निवेदन है। अभी प्रोग्राम चल रहा है, संपन्न हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। हिंदी भाषा की पुस्तकें हैं जीवन पथ के प्रदीप, क्रांति की करवट, अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग दो, और हथकरघा प्रौद्योगिक एक परिचय, ये पुस्तकें हैं जिसमें पहली पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने लिखी है, ये आपके लिए प्रकाश की एक सौगात है। जीवन पथ पर जब उजाला नहीं होता, अंधेरा होता है, तो जीवन में अवसाद विषाद का कुआं सा छा जाता है। दूसरी पुस्तक है क्रांति की करवट, ये भी श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने लिखी है, भगवान महाकाल के विकट तांडव से क्रांति की जो अलौकिक चिंगारियाँ निकल रही हैं वो सारे समाज में, सारे विश्व को किस प्रकार से बदल देंगी, ये तीसरी पुस्तक है। अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान, ये भाग दो, ये पुस्तक आपके सामने यहाँ पर आ रही है। हम सौभाग्यशाली साधक इसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो विलक्षण और अलौकिक है उसको जीवन में ढालने का प्रयत्न करें। हथकरघा प्रौद्योगिकी, ये हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये पुस्तक ग्राम प्रबंधन विभाग देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा। देखिए ये पुस्तक जो है हथकरघा प्रौद्योगिकी, इसको इसलिए पढ़ना जरूरी है कि हथकरघा अगले दिनों गांव-गांव में पहुंचने वाला है। शांतिकुंज गायत्री परिवार ने एक शपथ ली है कि हम गाँव जो उजड़ रहे हैं उनको उजड़ने से बचाएंगे, और अगर आपको आज मौका लगे तो आप स्वावलंबन विभाग जाकर के हथकरघा को देखिएगा। हथकरघे से इतनी रिवॉल्यूशन हुई है कि लगभग 100 से ज़्यादा केंद्रों से हथकरघे के माध्यम से कपड़ा, ये जो मैं कुर्ता पहना हूँ ये हाथ से बुना हुआ कपड़ा है, हमारी बहनों के द्वारा हाथ से बुना हुआ। ये क्रांति अगर होगी तो हमारे देश के बुनकरों को रोजगार मिलेगा, और हमारा देश का ग्रामीण परिकर जो है वो आबाद होगा। हमारे पंकज तिवारी जी हमारे बीच मौजूद हैं, वो खड़े हैं, उन्होंने पूरे के पूरे केंद्रीय जो KVIC का जो प्रयोग है, आयोग है, उसके साथ मिलकर के इतना बड़ा काम किया है कि लगभग ये हथकरघे यहाँ हल्दूचोड़ मुंसियारी हमारा उत्पालटा पहाड़ी क्षेत्र है और भोगपुर, पांच जगह लगवा दिए हैं। उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के कोने कोने में लगवाने का हमारा मन है। ये निश्चित रूप से फैलेगी ये क्रांति, और छोटे छोटे एक आदमी BA भी पढ़ा हो, BSc भी पढ़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, 11वीं 12वीं भी पास हो तो वो अपने हथकरघे लगा करके
खूब अच्छी सब्सिडी के माध्यम से इतना कमा सकता है कि उसके घर में 10-12 हज़ार की बरकत हो सके प्रति माह की। ये एक बहुत बढ़िया क्रम चालू हो जाएगा हमारे गुरुदेव का। इसके बाद पंजाबी भाषा की दो पुस्तकें हैं, धन का सदुपयोग, गायत्री विषयक शंका समाधान। ये अनुवाद किया है ब्रिजमोहन गुप्ता जी चंडीगढ़ के। ये पंजाबी भाषियों के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक। अंग्रेजी भाषा की एक पुस्तक है थॉट रेवोल्यूशन, इसको डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी और साइमन डेनिस पाश्चात्य देशों में किस प्रकार से हम अपनी सभ्यता को पहुंचा सकते हैं और ब्राह्मणत्व क्या है, ब्राह्मणत्व की उपयोगिता क्या है, ये विशेष पुस्तक यहाँ पर जो लिखी है इसको आप देखिएगा, इसको पढ़िएगा। और इससे भी बड़ी चीज, अब शांति कुंज की वेबसाइट पर प्रज्ञा गीत प्रवचन आदि भी सुने जा सकते हैं। awgp.org पर अब तक वीडियो साहित्य, मल्टीमीडिया एवं फोटोग्राफ्स उपलब्ध थे, लेकिन आज ऑडियो मॉड्यूल्स का विमोचन श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा किया जा रहा है। प्रज्ञा गीतों तथा प्रवचनों के अलावा शांति कुंज की दिनचर्या का ऑडियो भी इस पर उपलब्ध रहेगा। शीघ्र ही इस पर ऑनलाइन रेडियो तथा लाइव ऑडियो भी सुने और देखें। awgp.org। आज का प्रोग्राम भी इस पर पूरा उपलब्ध है, इसको बाद में भी देख सकते हैं। हाथ जोड़कर गुरु सत्ता को नमन करें। ओम नमो स्तनंताय सहस्रमु सहस्रपादाक्ष शिरोरुवा सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अभी कोई नहीं उठेंगे, कुछ सूचनाएं हैं, 2 मिनट सिर्फ बैठे रहें, कुछ सूचनाएं हैं, उसके बाद यहाँ से जाएं। पहली सूचना है 3 क्रम साथ साथ चलेंगे, प्रणाम का, संस्कारों का और उसके साथ भोजन का। शांति कुंज के कार्यकर्ता 1 बजे के बाद ही पंक्ति में लगेंगे प्रणाम के लिए, ये ध्यान रखें। बाकी संस्कार, संस्कार शाला में यहाँ पर पास में और गायत्री मंदिर पर और वेद विभाग के पीछे जो यज्ञशाला है वहाँ पर, और विवाह हमारा इधर संपन्न किया जा रहा है रामकृष्णपुरम में, साथ साथ भोजन भोजनालय में और पंक्ति लगाकर प्रणाम। ऑडियो वीडियो की जो सीडी है हमारे पास वो उपलब्ध है, जन्म शताब्दी समारोह की, अंतः ऊर्जा जागरण का जो सत्र है उसकी और कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र इसकी, ये सब उपलब्ध हैं। शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोलिए गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, यज्ञ भगवान की। आप सबके लिए वसंत पर्व एक नया उल्लास और उमंग ले